हाय फैमिली, आज देखिए मैं आया हूँ कहाँ पे। देखिए ये लोकेशन, देखिए कुछ अलग और कुछ यूनिक जगह पर आया हूँ। और कहाँ पे आया हूँ आप देख सकते हैं, द पुनर्नावा, ये लग्जरी हेल्थ एंड वेलनेस रिसोर्ट में। और ये रिसोर्ट है देहरादून उत्तराखंड में, आप देख सकते हैं। ये एड्रेस देख सकते हैं, विलेज बिटारली खिमड़ी लम्बीधर बाईपास रोड देहरादून उत्तराखंड। और मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखो, लेकिन आज सच में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये मेरा ऐसा फर्स्ट वीडियो है जो मेरे लाइफ का। मैं इतना बड़ा रिसोर्ट आज आपको दिखाने वाला हूँ, कुछ अलग और कुछ यूनिक। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। और ये रिसोर्ट कुछ 55 एकड़ में है। और मेरे साथ अभी मैं यहाँ पे शूट करने के लिए आया तो यहाँ के डायरेक्टर भी आए हैं, आलोक जी। थैंक यू आलोक जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और कुछ अलग, ये बहुत बहुत ह्यूज रिसोर्ट है, तो आप ही बताइए ये कितने एकड़ में है ये रिसोर्ट। मोर देन 50 एकर्स ऑफ लैंड, और साथ में नेचर इतना ज़्यादा कि जहाँ देखोगे आपको जंगल, पेड़, हरियाली दिखेगी और सारा नेचुरल कंस्ट्रक्शन दिखेगा। बहुत बहुत बढ़िया है, मैं पूरा देख के आया हूँ, तो आप लोग सच में वीडियो पूरा एंड तक देखना। मेरे से जितना होगा उतना मैं आपको ये पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मैं मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग भी ये फर्स्ट टाइम देखोगे कुछ यूनिक और कुछ अलग। और ये कितने साल से है, मतलब यहाँ पे? अभी लास्ट ईयर शुरू किया है अभी इसको। तो यहाँ के ओनर से भी बात करने के लिए मिल जाएगी आपने को? कोशिश करते हैं, अगर अवेलेबल होंगे आपको जरूर मिलवाएंगे। चलो बहुत बढ़िया है, तो यहाँ के ओनर जो है उनसे भी मुलाकात करेंगे। और ये आपको अभी पूरा दिखाएंगे, A to Z सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये कुछ अलग और कुछ यूनिक है। यहाँ की वादियाँ और यहाँ का नेचर सच में मैंने ऐसे लाइफ में कभी देखा नहीं है। ये मेरे लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और आप लोग भी ये फर्स्ट टाइम देखोगे। तो आइए मैं आपको ये पूरा द पुनर्नावा वेलनेस रिसोर्ट पूरा का पूरा आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, इसके बाद के वीडियो मेरे अगर पूरे एंड तक नहीं देखोगे, और मैं भी बोलूँगा नहीं आपको कि वीडियो एंड तक देखो, लेकिन ये वीडियो प्लीज़ आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ह्यूज और कुछ अलग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं द पुनर्नावा वेलनेस रिसोर्ट। तो चलिए आपको पूरा द पुनर्नावा वेलनेस रिसोर्ट दिखाते हैं। यहाँ से शुरू होता है, तो देखिए 55 एकड़, जरूर मेरे साथ बने रहना, आ जाइए। तो चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं रिसेप्शन, और इसके पीछे उन्होंने बोला बैंक्वेट हॉल भी है। तो आ जाइए पहले रिसेप्शन देखो। ये है रिसेप्शन,
क्या बात है यार। ओहो देखिए ये है बैंक्वेट हॉल। डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो सकती हैं, बर्थडे पार्टीज हो सकती हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो सकते हैं। आपके पिलरलेस बैंक्वेट हॉल है यहाँ पे हमारा, और साथ में इसके प्री फंक्शन एरिया काफ़ी बड़ा है, लॉबी एरिया काफ़ी बड़ा है, और साथ में अटैच्ड लॉन्स हैं। तो ऐसा और आसपास हर तरफ जैसे पहले बताया जंगल ही जंगल। हमारा फ़ोन नंबर हमारे हर एक सोशल मीडिया साइट के ऊपर है, हमारा ईमेल आईडी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर है, reservations@thepunarnava.com। और आप उस पर फ़ोन कीजिए, मेल कीजिए, आप हमें सोशल मीडिया पे अप्रोच कीजिए, आपको हमारे कॉल बैक आएगी। तो चलिए अभी गोल्फ कार्क में बैठेंगे और आपको पूरा ये रिसोर्ट दिखाएंगे। तो देखिए फाइनली ये रिसोर्ट के ओनर हमें मिल गए हैं, आचार्य आशीष जी सेमुआल जी। क्या बात है, वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू। यू आर अ सच अ पर्सन एंड आइडियल आइकॉन फॉर द नेशन, नॉट ओनली नेशन, यू आर अ बेसिकली यूनिवर्सल आइकॉन फॉर द यूथ, नॉट ओनली फॉर द एज अ आई वुड से ब्लॉगर, बट एज अ पर्सन बाय नेचर बाय हार्ट एज अ सच अ ग्रेट ह्यूमन बींग। वी वेलकम पुनर्नवा फैमिली, वेलकम टू यू। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू। तो चलिए अभी आशीष जी हमको अभी बताएंगे, ये गोल्फ कार्ट से हम लोग जाएंगे और रिसोर्ट देखेंगे, बाकी की डिटेल आशीष जी बताएंगे हमको। चलिए मैं आपको पहले से थोड़ा कैमरे की तरफ बताता हूँ। यहाँ से हमारा एंट्रेंस गेट शुरू हो जाता है, ये हमारा एंट्रेंस गेट है, ये हमारा पूरा हम जंगल के बीच में है अगर आप इसे देखेंगे तो। और यहाँ से जाते हुए हमारा ये रिसेप्शन है जिसका नाम मिलन है, ये हमारा पठाल का बना हुआ है, ये हमने लोकल मटेरियल को पूरा यूज किया है जिसमें हमारा देवदार है, पठाल है और रिवर स्टोन है। ये सारा हमने जो प्रयोग किया है इसे जंगल के साथ मर्ज करते हुए यहाँ को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। और ये हिंदुस्तान का ऐसा रिजॉर्ट है जहाँ पे व्यक्ति आ सकता है अपने हॉलीडे के लिए, मैरिज डेस्टिनेशन के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, अपने वेलनेस के लिए, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे व्यक्ति आ सकता है अपनी राइटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, और साथ ही साथ शूटिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेट है, लगभग 50 एकड़ से ज़्यादा में केवल बना हुआ है और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। ट्रैकिंग से लेके वाइल्ड लाइफ से लेके एडवेंचर से लेके सब कुछ इस पुनर्नवा रिजॉर्ट में है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ द पुनर्नवा और वेलनेस रिजॉर्ट एट मसूरी रोड देहरादून उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अनंत और आनंद दो विला है जिसका कि मेन उद्देश्य है कि लोग यहाँ अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। इसमें 2 बेडरूम है, अपना पर्सनल स्विमिंग पूल है, लॉबी है, वेलनेस का इलाका है। तो ये हमारे लिए प्रीमियम विलाज है अनंत और आनंद। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा लॉबी है, लॉबी के अंदर ये डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया की वॉशरूम इसके साथ है, इसके साथ एक पेंट्री है, पेंट्री के साथ साथ ये एक आपका स्टेइंग एरिया है जहाँ पे गेस्ट स्टे कर सकता है, रह सकता है। इसके अलावा अगर हम ऊपर जाएंगे तो इधर हमारा बेडरूम है, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। देखिए अगर यहाँ आदमी बैठता है तो उसे पूरा नेचर और पूरा जंगल और सामने जॉर्ज एवरेस्ट माउंटेन है जहाँ पे आदमी बैठ के अपना जो है माउंटेन्स को देख सकता है, पीस, बर्ड्स की आवाज़ और डिफरेंट टाइप का। अगर आप शाम के समय यहाँ बैठेंगे तो आपको यहाँ पे काकड़, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक एंड डियर,
लेकिन डियर्स वो मिलेंगे, मोर मिलेंगे, और हो सकता है अगर किस्मत अच्छी होगी तो टाइगर भी आ सकता है, क्योंकि तीन बार टाइगर को हमने इस डेक में आते हुए देखा है। साथ ही साथ इसकी अगर मैं कहूँगा तो सर बालकनी भी है इसकी, और साथ ही में एक बेडरूम और है, ये इसका वॉशरूम है, और अगर मैं देखूँ तो इधर आपका एक बालकनी भी है जहाँ पे बैठ के आप अपने परिवार के साथ टी कॉफी का आनंद ले सकते हैं। अगर इधर भी देखेंगे तो इधर इंटायर जंगल है, पूरा बालकनी में आप बैठेंगे तो पूरा इंटायर जंगल, चारों तरफ से 360 व्यू अगर है तो चारों तरफ नेचर है, जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है। और कई बार कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के सब लोग फैमिलियर इंजॉय करते हैं। थैंक यू, थम दीजिए एक बार, थैंक यू, बोली वेलकम, प्लीज वेलकम। और ये देखिए आपका दूसरा बेडरूम, आपका दूसरा वेलकम देखिए, और ये दूसरा बेडरूम है, दूसरे बेडरूम से अगर आप देखेंगे सर तो आपका स्विमिंग पूल जिसका नाम है कुंभ वेलनेस पूल है, तो यहाँ बैठ के आप अपना अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये पूरा नेचर और ये हिमालय बिल्डिंग सामने है, ये लगभग 50 एकड़ से ज्यादा में बना है ये तो कॉटेज। और यहाँ पे डिफरेंट तरह के लेमन्स के पेड़ हैं। हमारे यहाँ पुनर्नवा की एक सबसे बड़ी खासियत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ सबसे बड़ी खासियत है, आपको कीवी मिलेगा, लौंग के पेड़ मिलेंगे, इलायची के पेड़ मिलेंगे, अंजीर के पेड़ मिलेंगे, आंवला के पेड़ मिलेंगे, एलोवेरा के पेड़ मिलेंगे, यहाँ पे लेमन ग्रास मिलेगा, रुद्राक्ष के पेड़ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ की खासियत है वो ये है कि यहाँ की जो जड़ी बूटियों से निकला हुआ पानी है उसे हमने नाम दिया है पुनर्नवा वाटर, पुनर्नवा जल, और वही लोगों को क्लिनजिंग के लिए, हेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए वो पानी सबसे अच्छा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हिमालय बिल्डिंग की तरफ, चलिए बिल्डिंग के एंट्रेंस से सामने एक वेलनेस पूल है, ये हमारे इधर आएंगे तो हमारे ये सारे रेजिडेंशियल एरिया कॉटेजेज हैं, इधर देखेंगे लॉन है, उधर पूल डेक है, उधर हमारा पार्क है, और इस पार्क का नाम अरण्य है, जो वेलनेस है उसका नाम पंचतत्व है, पूल जो उसका नाम कुंभ है, और ये वाटिका है जो पठालों की पूरी तरह से इको फ्रेंडली सेल्फ इंसुलेटेड वॉल है। तो अब हम आए हिमालय बिल्डिंग की तरफ, यहाँ से लेते हैं। हाँ, ये कितना क्लियर दिखाई देता है, यहाँ से व्यू एकदम बढ़िया है, और यहाँ पे है उनके कॉटेजेस, देखिए कितने बढ़िया उन्होंने एकदम परफेक्ट बनाए हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल है वहाँ पे देखिए, और यहाँ से दूर दूर तक नजर जा रही है, दूर दूर तक देखिए कितना बढ़िया माहौल है और कितनी बढ़िया सीनरी है, बहुत बहुत बढ़िया। आप अगर यहाँ पे आते हो घूमने के लिए फुल एंजॉय होगा, फुल माइंड फ्रेश हो जाएगा, बहुत मजा आएगा, तो एक बार आपको जरूर आना चाहिए। आशीष जी, यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा बुकिंग के लिए? सबसे पहले हमारे OTA चैनल है, booking.com है, अगोड़ा है, मेक माई ट्रिप है, इसमें आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाके बुकिंग करा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thepunarnava.com, जहाँ पे आप वेबसाइट्स है, वेबसाइट को देख के आप उस पर नंबर लेकर हमारे सेल्स ऑफिस में फोन कर सकते हैं। इसमें अब हम रूम की तरफ चलते हैं, जो हमारे हिमालय बिल्डिंग में लग्जरी रूम है, अभी हमने विला के रूम्स देखे, अब हम लग्जरी रूम्स की तरफ चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जनरली जब हम होटल में जाते हैं तो रूम के अंदर दोनों तरफ रूम होते हैं, बीच में गैलरी होती है, लेकिन पुनर्नवा में बिल्कुल अलग है। पुनर्नवा में आप रूम में जाएंगे तो आपको ये आपको नेचर मिलेगा। अब आप देखिए जरा, कल्पना करिए, आपको रूम में जाने के लिए किसी गैलरी की लाइट खोलने की जरूरत नहीं है, आपको ये नेचर के बीच में आप जाएंगे अगर आप देखेंगे, और आप रूम में एंट्री करिए सर, आप आइए। 650 स्क्वायर फीट का रूम है, जिसमें ये किंग साइज बेड है, ये आपका सोफा सिटिंग एरिया है, ये आपका केटल्स है, स्टडी रूम है, ये टेलीविजन है, और यहाँ से देखेंगे आपने वॉशरूम, बाथ टब के साथ, फ्री स्टैंडिंग बाथ टब के साथ 150 स्क्वायर फीट का जो है बाथरूम है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ एक लॉबी है, जिसके सामने अभी तो चूंकि बारिश का सीजन है तो पहाड़ दिख नहीं रहे, सामने हिमालय है और जॉर्ज एवरेस्ट माउंटेन सामने है, और इसका पूरा इन्फिनिटी जंगल, पूरा डेंस फॉरेस्ट, पूरा वाइल्ड लाइफ आपको सामने को दिखाई देने को मिलेगा। तो ये हमारा एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में अगर आप देखेंगे तो 360 व्यू है, पूरी तरह से नेचर, सब कुछ है, नेचर है, 360 व्यू है। अगर आप उधर देखेंगे तो ये देखिए पूरा हमारा जो है, ये पूरा हमारा जंगल है, लगभग 3 साल लगे हैं इसे डेवलप करने में, लगभग 10 साल लगे हैं, और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो भी बने वो इंसान के लिए एक
कायाकल्प की तरह हो, लोगों के जीवन में मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सब हेल्पिंग आए और वो अपनी जिंदगी में इनलाइटमेंट और डिलाइटमेंट के साथ यहाँ रहे और वो कहे पुनर्नवा का मतलब है पुनः नया, पुनः नया, पुनः पुनः आना वापस यहाँ, पुनः आना और बार बार नया रहना और नया सोचना और नया जीवन जीना और ये एंजॉय करके जाना कि पुनर्नवा आपका सेकंड होम है। ये कोई रिजॉर्ट होटल नहीं है, ये एक इनलाइटमेंट और डिलाइटमेंट का प्लेस है जहाँ आप अपनी मेमोरी के साथ, अपनी फैमिली के साथ और ऐसे लोग जिन्होंने जो बता रहे हैं, कह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी, डिग्निटी, क्वालिटी, रियलिटी और प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब कुछ जो बनाया गया है वो नेचर को साक्षी मान के पर्यावरण को बचाने के लिए बिना कोई प्लांट को काटे, वरना किसी ट्री को काटे। और कई बार तो ऐसा है कि हमारे वॉशरूम से रूम में भी ट्री निकले हुए हैं। अच्छा। लेकिन हमने कहा हम ट्री नहीं काटेंगे क्योंकि हमने एक बार सोचा है कि जो हमारे वृक्ष है ट्री है, ये हमारी जिंदगी है क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें श्वास मिलता है। ये सामने आप पेड़ देख रहे हैं, ये लौंग का पेड़ है। अच्छा। जो लौंग हम रोज किचन में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, ये लौंग का पेड़ है। ऐसे ही हम लोग तेज पत्ता यूज करते हैं कुकिंग के अंदर, ये तेज पत्ता है। अच्छा। जो नीचे पौधे दिख रहे हैं। अच्छा। ये बड़ी इलायची के पौधे, बड़ी इलायची जो काले ब्लैक कलर की पैर होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये आपको सामने दिखाई दे रहे ये कॉटेजेस बने हैं ये, तो आलोक जी ये मतलब कितने साइज में, मतलब ये 500 फुट में कॉटेज होगा जिसमें उनके इंडिपेंडेंट बरांडा है, बाथरूम है, अंदर एक सिंगल बेडरूम है और साथ में इंडिपेंडेंट लॉन है। हर एक कॉटेज के सामने आपको ऐसा इंडिपेंडेंट एक लॉन मिल जाएगा और उसमें ही आपका सर्दियों में बॉनफायर का अरेंजमेंट हो जाता है। अच्छा। सारा ऑर्गेनिक नींबू का पौधा है यहाँ पे, करी पत्ता का पेड़ आ गया, नीम का जो आप खाने में यूज करते हैं। और सिर्फ जंगल नहीं है, हर्बल ट्रीज। अच्छा। यहाँ हर्बल ट्रीज सारे भरे हुए हैं। हाँ। आपके सामने फ्रूट ट्रीज भरे हुए हैं। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो अपने को नेचुरल जो ऑक्सीजन मिलता रहेगा वो तो नेचुरल रहेगा यहाँ, वो नेचुरल रहेगा। इतना क्लीन ऑक्सीजन आप कहीं और सोच ही नहीं सकते किसी शहर में। प्रदूषण नहीं, कुछ गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम नेचुरल सब हवा मिलेगी अपने को। और यहाँ पे अभी मुझे लगता है जो इंसान 60-70 साल जीने वाला रहेगा वो 100 साल आराम से जिएगा। और जो आवाज़ है बहते हुए पानी की, चहचहाती हुई चिड़ियों की, और कोई आवाज़ ही नहीं, ना कोई हॉर्न, ना कोई शोर, ना कुछ। क्या बात है, क्या बात है। ये कीवी का पेड़ देखिए, ओहो क्या बात है। अभी ये कीवी लग रहे हैं सामने। हाँ देखिए, देखिए कीवी क्या बात है। मतलब यहाँ से आपको बाहर कुछ फल फ्रूट लाने के लिए लाने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक, कोई यहाँ कभी खाद नहीं पड़ी, कोई केमिकल नहीं आया। अभी तक तो हम लोग रिसोर्ट ही देख रहे हैं, अभी तक हमारा खाने का शूट भी नहीं हुआ है ये पूरा। लेकिन आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा वीडियो होता है वो खाने के ऊपर होता है, लेकिन ये वीडियो सचमुच में कुछ देखने वाली चीज़ है ये रिसोर्ट। इसके लिए मैंने ये पूरा रिसोर्ट को कवर किया है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो एंड तक देखो, एंड में मेरा खाना भी आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम, मेरी एक कोशिश ये है कि आपको ये पूरा रिसोर्ट कुछ अलग और कुछ यूनिक है, इसके लिए मैं ये पूरा रिसोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ये रिसोर्ट पूरा देखो और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पे ज़रूर आ जाना। जैसे आलोक जी ने बताया, आशीष जी ने बताया, आपको यहाँ पर आके बहुत मज़ा आएगा और सारी चीज़ें ओरिजिनल ऑर्गेनिक आपको मिलेगी, हवा से लेके फल फ्रूट खाना सब कुछ। इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं। हम 24 घंटे पहले किए हैं मैग्नेशन और इसको हम अभी मैग्नेशन करके ओवन में पकाएंगे। इसको 24 घंटे पहले अगर प्रिपरेशन करें तो हम
इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और अच्छा मैरिनेशन हो जाता है, खाने में बहुत टेस्टी और अच्छा लगता है। इसकी मैरिनेशन हो गई रेडी, अब हम इसको स्टफ करेंगे। हाफ डन राइस होते हैं ये, हाफ डन राइस से स्टफ करेंगे इसको। ये हो गया तैयार, इसको हम ओवन में डालेंगे और वो बनने के लिए इसका टेम्परेचर रहेगा 160-170 और 1.5 घंटे के लिए इसको हम ओवन में डाल देंगे। तो देखिए, दो कम से कम एक दिन पूरा मुझे शूट के लिए लगा और आज मेरा दूसरा दिन है, तो इतना मतलब बड़ा ये रिसोर्ट है तो मुझे कम से कम 2 दिन लगे शूट करने के लिए। तो चलिए अभी मैडम जी मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? हिमानी जी। तो यहाँ पे वो योगा मतलब यहाँ पे जो जो आते हैं अगर कुछ योगा करना है तो पीछे देख सकते हैं, योगा के लिए यहाँ पे करते हैं योगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गिल्ला है इसके लिए यहाँ पे करके दिखाएंगे। और आप मतलब सिखाते हो योगा कि क्या करते हैं? हाँ जी सर, हम योगा सिखाते हैं। हाँ। और कोई गेस्ट जो ऑलरेडी योगा करते हुए आते हैं, जो हमेशा से घर से करते हैं, उनको प्रैक्टिस का होता है तो वो भी हम करा। अच्छा, आप ही करा के लेते हैं? हाँ जी। देखिए ताड़ासन कैसे होता है। मैं नहीं करूँगा, आप करना सर। ट्री पोज विच इज वेरी गुड फॉर योर स्पाइनल कॉर्ड एंड योर बेसिकली बैक एरिया एंड एवरीथिंग। सो इन दिस यू पुट योर लेग लाइक दैट, टर्न अप एंड ब्रीथ नॉर्मली, hold as much as possible, keep your back straight, stretch out, down, down and relax. Thank you. Veerbhadrasan dekhte hain abhi. So Veerbhadrasan is basically warrior pose. Okay, so you stretch your legs down, down, down and this is it. Veerbhadrasan dekhiye. आपको आता है शीर्षासन? आता है लेकिन सर अभी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा अच्छा, चलेगा। चलो मुझे आता है शीर्षासन करने के लिए तो मैं करके करता हूँ, अगर अगर मेरे से होता है तो। Oh my God! Amazing sir. बराबर है। बहुत amazing. चलो thank you. मुझे एक आसन आ गया, शीर्षासन बहुत हो गया। चलो अभी पूरा शूट खत्म हो गया, अभी मिलेंगे डायरेक्ट खाने के साथ में, बहुत यूनिक और बहुत बढ़िया होने वाला है। ओहो, क्या बात है। देखिए अपना डिश फाइनली रेडी हो गया है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार शर्मा सर। प्रदीप कुमार शर्मा, और आप शेफ हो यहाँ के? जी सर। क्या बात है, और ये स्पेशली आपने बनाया है? जी सर। क्या बात है, क्या नाम है इसका बताइए पूरा? ये तंदूरी रोस्टेड लहम। तंदूरी रोस्टेड लहम। लहम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये आपने फर्स्ट टाइम मेरे लिए बनाया कि और भी बार बनाया ये आपने? ये कई बार, ये तो कई बार बनाया हमने, गल्फ में भी बनाया, इंडिया में भी कई बार बनाया है, आपके लिए स्पेशल आज स्पेशल बनाया है। दिस इज फॉर स्पेशल फॉर यू। चलो थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए अपना खाना पूरा रेडी हो गया है, ये स्पेशल डिश था मेरा आज का, और इसके बाद में अभी ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे मुंबई के लिए। तो 2 दिन का शूट था यहाँ पे, बहुत बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने अगर वीडियो पूरा देखा हो तो प्लीज़ बहुत मेहनत लगाई ये वीडियो बनाने में, तो वीडियो को आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अभी इसको अपने जो मेरे साथ में आए संतोष जी आए, ऋतिक जी है, साथ में बैठ के इसको फिनिश करेंगे। तो चलिए खाना अपना रेडी हो गया है। ऋतिक जी 2 दिन बहुत मजा आया यहाँ पे, 2 दिन फुल एंजॉय किया, संतोष एंजॉय किया, फुल एंजॉय किया। अभी लास्ट है ये अपना दिन,
ये खाना है और निकल जाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तंदूरी रोस्टेड मटन, मटन क्या बात है, देखिए ये कैसे बनाए आपने तो देखा होगा, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बनाए। देखिए इसके अंदर राई डाला है और बनाया है, हाँ हाँ हाँ, बहुत गर्मा गर्म है। ऋतिक जी मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा बना है पुलाव जी। हाँ हाँ हाँ, देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गया एकदम, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। दो दिन तो हम लोगों ने फुल एंजॉय किया और जब जाने का समय आया देखिए कितनी बढ़िया डिश बन के रेडी हो गई है। दो दिन का इसका इंतजार कर रहे थे उल्लाज जी अपन, फुल बकरा, फुल बकरा। गर्मा गर्म खाओ तो लड़ाई करके, लड़ाई करके नहीं खाओ, खाओ तो लड़ाई करके, लड़ाई करके। ये हमारा डायलॉग है दिल्ली का भाई, हाँ उल्लाज जी याद आए ना आपको? ओहो क्या बात है, ओहो बहुत गर्म है। देखिए मस्त गर्मा गर्म, उल्ला जास बकरे पे टूट पड़े हैं, कुछ रहने वाला नहीं इसमें से भाई। ऋतिक भाई कैसा लगा? एक नंबर। ये हुई ना बात लड़ाई करके, खाओ तो लड़ाई करके, ना खाओ तो लड़ाई करके, नहीं खाओ तो लड़ाई करके, क्या कर रहे हो?
बदमाश हो गए। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग पूरा फिनिश करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया है और आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा हो तो हमारा मेन मतलब था कि ये रिसोर्ट पूरा आपको दिखाने का। इसमें अपना खाने का डिश बहुत शॉर्ट हो गया, लेकिन जो रिसोर्ट था दिखाना आपने को बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि वो 55 एकड़ में रिसोर्ट है, जिसके लिए आपको वो सब रिसोर्ट मुझे दिखाना था, तो पूरा मैंने रिसोर्ट दिखाया आपको और ये फाइनली खाने का मेरा डिश। तो आप लोगों ने अगर बहुत बहुत मेहनत किया है हम लोगों ने, आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देखा हो तो एंड तक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अपने चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर, यहाँ की विजिट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, द पुनर्नावा वेलनेस रिसोर्ट की एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जरूर एक बार विजिट करना, बहुत बहुत मजा आएगा। तो चलो, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिश के साथ, तब तक के लिए बाय।